हाय गाइस, वेलकम टू एड्यू स्टेप। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग चैप्टर 7 अपनी बुक का पढ़ रहे थे अभी। तो 7.1 की एक्सरसाइज हम लोग हाफ कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अप टू क्वेश्चन नंबर 4, और वहां से आगे 5 to 8 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक्स में पेज नंबर 119 पर एक्सरसाइज 7.1 है। तो आप अपनी बुक्स को खोल लें और वहां से हम लोग जल्दी से अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, जस्ट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड डी इज एनी पॉइंट ऑन एल। सो एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। तो यहां लिख लेते हैं एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी, राइट। तो फर्स्ट से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है, फर्स्ट लाइन से। फिर सेकेंड लाइन, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, सो बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है। फिर बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है टू वॉट, आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं विद द आर्म्स ऑफ एंगल ए। आर्म्स कौन सी है, एक ये ए क्यू, राइट, और दूसरी कौन सी है, ए पी। ये दोनों आर्म्स है एंगल ए की, और ये आर्म्स के साथ हमारा जो बी पी और बी क्यू है वो परपेंडिकुलर्स फॉर्म कर रही है, राइट। तो एंगल्स क्या हो गए, एंगल्स हो गए 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ थर्ड, शो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो ए बी पी कौन सा ट्रायंगल है, ए बी पी, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ए बी पी, राइट। ये है हमारा ए बी पी और दूसरा है ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो, पहले सबसे पहले हमारा जो एंगल ए क्यू बी है वो किसके इक्वल है, ए पी बी के इक्वल है ना, ये हमें गिवन है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। फिर एंगल जो है हमारा क्यू ए बी, यानी ये वाला एंगल जो है क्यू ए बी, ये किसके इक्वल है, बी ए पी के। ये हमने यहाँ कंक्लूड किया है क्योंकि एल इज बाइसेक्टिंग द एंगल, है ना। और फिर उसके बाद जो हमारी लाइन ए बी है वो क्या है, कॉमन लाइन। तो ए बी इज द कॉमन लाइन, ए बी इज द कॉमन लाइन, तो जिसकी वजह से हमारी वो सेम हो जाती है। तो ये एंगल, एंगल और साइड, तो एंगल एंगल साइड से ड्यू टू सॉरी विथ एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल हमारी फर्स्ट की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है, राइट। ये यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन था, ये ट्राइंगल ए पी बी बिकम्स इक्वल टू ए क्यू बी ड्यू टू एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट हमको दूसरा क्या दिया है जो हमें निकालना है, वो ये है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो क्योंकि हमारे दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनके जो बिल्कुल सामने साइड होगी वो भी इक्वल होगी। तो अगर एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी, तो क्यू ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, बी क्यू, और पी ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, बी पी। तो पी बी क्यू और बी पी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, राइट। तो ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल एंड द साइड्स इक्वल, द साइड्स ऑपोजिट द इक्वल ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा इससे प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है हमारा इस क्वेश्चन का, वो लिखना भूल गए, तो सेकेंड पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, अच्छा ये हमारा सेकेंड पार्ट था, तो फर्स्ट और सेकेंड हम लोगों ने दोनों प्रूव कर लिए, राइट।
फर्स्ट और सेकंड हमारा प्रूव हो गया. कौन से रूल से हमारे एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए? बाय एंगल एंगल साइड रूल. ठीक है, एंगल एंगल साइड रूल से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए और देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया. राइट, मूविंग ऑन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन द फिगर एसी इज इक्वल टू एई एंड एबी इज इक्वल टू एडी एंड एंगल बीएडी इज इक्वल टू ईएसी. ये तीन चीजें हमारी इसमें हमको गिवन है. राइट, तो अंडरलाइन कर लेते हैं उन चीजों को जो हमें गिवन है. सबसे पहले एसी इज इक्वल टू एई. राइट, यहाँ पे ये देखो एसी, ये वाली लाइन, दिस वन इज इक्वल टू एई. ठीक, फिर सेकंड क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी. देखो सिंगल लाइंस जो दोनों पे है वो दोनों आपस में इक्वल है और जिनमें डबल लाइंस है वो दोनों आपस में इक्वल है. ठीक है, और एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी. शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई. अब बी सी लाइन ये है और डी ई लाइन ये है, तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा? एक हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, और दूसरा हो गया ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई. ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो वी नो दैट, एक सेकेंड, हम अलग अलग पेन के कलर्स से इनको मार्क कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो. राइट, तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल कौन सा लिया है, फर्स्ट ट्रायंगल हमने लिया ए, जस्ट अ सेकेंड, वेट, तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पे, यहाँ अलग से ही ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम. एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए ए बी सी. ठीक है, और दूसरा है हमारा ए डी ई. ठीक है, दूसरा है ए डी ई. राइट, तो ये पॉइंट हमारा डी और ये यहाँ पे ई पॉइंट. ठीक है, ए डी ई, तो ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों ने ले लिए हैं. तो एक तो हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई है ना, तो एक साइड ये ट्रायंगल ए बी सी की हो गई, कौन सी, ए बी, और दूसरी साइड ए डी ई ट्रायंगल की हो गई, कौन सी, ए डी. ये दोनों इक्वल है. ठीक है, फिर दूसरा एक साइड हमारी हो गई ए बी, कौन सॉरी ए सी, कौन सी साइड है, ए सी है ये, और ए ई है ये. ठीक है, ए सी और ए ई, तो ए सी हो गई ट्रायंगल ए बी सी की और ए ई हो गई ट्रायंगल ए डी ई की. तो ये दोनों इक्वल हो गए, करेक्ट. अब एंगल्स की बात करते हैं. देखो अब एंगल्स क्या है कि हमारे जो एंगल्स गिवन है हमको, एंगल बी ए डी वो ये वाला है और एंगल ई ए सी वो ये वाला है. तो किसी भी एक ट्रायंगल में हमारा कंप्लीट एंगल नहीं आ रहा है. दोनों ट्रायंगल्स में, चाहे वो ट्रायंगल ए बी सी हो या ए डी ई हो, ये वाला पोर्शन जो है वो कम पड़ रहा है इक्वेट करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, हम ये ले लेते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, करेक्ट. अब क्या करते हैं कि दोनों में हम लोग ये जो ट्रायंगल, जो एंगल हमारा रह रहा है डी ए सी, इसको ऐड कर देते हैं. तो इधर भी एंगल डी ए सी ऐड कर दिया और इधर भी एंगल डी ए सी हमने ऐड कर दिया. राइट, तो क्या बन जाएगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए बी या बी ए डी, वो पूरा एंगल क्या बन गया, बी ए सी. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी, क्या बन जाएगा, ई ए डी या डी ए ई, एंगल डी ए ई. ठीक है, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए. तो अब मतलब कि हमारा ये कंप्लीट एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल है. तो कौन से हमारे किस रूल से हो जाएगा हमारा ये,
अभी तक हमने क्या प्रूव कर दिया, एक कर दिया कि AB इज इक्वल टू AD, और दूसरा क्या किया कि AE इज इक्वल टू AC। तो साइड एंगल साइड से अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड रूल से हमारे जो है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा कि जो इक्वल एंगल्स हैं उसके ऑपोजिट की साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, राइट। तो BC किसके इक्वल है, हमारी लाइन BC किसके ऑपोजिट है, एंगल BAC के, और हमारी लाइन DE किसके ऑपोजिट है, एंगल EAD के, राइट। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो इसीलिए BC हमारा DE के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो प्रूव हो गया हमारा, सबसे पहले SAS रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और उसके बाद इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB इज इक्वल, सॉरी AP इज इक्वल टू BP, और D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AE, मतलब दोनों क्या है, ऊपर वाली साइड में है, ठीक है। सच दैट एंगल BAD, यानी ये हमको यहाँ पे गिवन है एंगल BAD, ये देखो ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, यानी ये वाला एंगल, और दूसरा क्या गिवन है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ठीक है। तो शो दैट ट्राइंगल DAP, यानी DAP कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, सी डी डी ए पी ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे, राइट। तो एक तो हमको साइड गिवन, ये देखो एक तो हमें इसका बेस, देखो दोनों का इक्वल है ना, ट्राइंगल EPB में BP इज इक्वल टू, पहले ये यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स फिर से। तो ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल EBP, तो DAP की लाइन AP इज इक्वल टू EBP की लाइन BP, है ना, और DAP का एंगल DAP इज इक्वल टू EBP का एंगल, EBP का एंगल EBP, एंगल EBP, है ना, ये इक्वल है, ये हमको एक सेकेंड EBA, सॉरी EBA आएगा यहाँ पर EBA, और इधर भी आएगा DAB, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, और थर्ड हमको क्या गिवन है, अब थर्ड में देखो फिर से हमारा जो ये एंगल है APD का आधा पोर्शन तो हमें इक्वल गिवन है, ये वाले पोर्शन का हमको कुछ नहीं पता, और सिमिलरली यही पोर्शन हमारा किसमें लाय कर रहा है, EPB जो ट्राइंगल है उसमें भी यही पोर्शन लाय कर रहा है हमारा, है ना। तो क्या करेंगे हम, जब हमें ये पता है कि EPA इज इक्वल टू DPB, तो इसमें अगर हम एक कॉमन एंगल ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया था कैसे, तो उसकी इक्वालिटी से अब हमारा एंगल ट्राइंगल DAP में एंगल DPA और EBP ट्राइंगल में हमारा एंगल EPB क्या हो जाएंगे, दोनों EPB, ये दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल एक ये साइड और ये वाला एंगल
से एंगल साइड एंगल से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ट्राइंगल डीएपी इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी। तो ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या बोलता है कि ए डी इज इक्वल टू बी पी। अब ए डी कौन सी लाइन है, ये वाली, और बी पी कौन सी लाइन है, बी ई कौन सी लाइन है, ये वाली। तो अब हमें ये पता है कि हमारा जब कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव हुई कि हमारा एंगल ई पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी ए, तो इसके ऑपोजिट की साइड इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो इस एंगल के ऑपोजिट की साइड कौन सी है, डी ए, और इस एंगल के ऑपोजिट की साइड कौन सी है, डी। ठीक, तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल प्रूव हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंसी से। तो देयरफॉर साइड हमारी डी ए इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू बी ई ऑपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पार्ट प्रूव हो गए, राइट। चलो अब लास्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। हमारा लास्ट पार्ट देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत इजी है, राइट। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, हाँ राइट एंगल डेट सी, तो ये राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, तो एम मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, है ना। यहां लिख लेते हैं हम साथ साथ ही, क्या हो गया हमारा, एक तो हो गया ए एम इज इक्वल टू बी एम, है ना। फिर आगे सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी लिख लेते हैं, ये हमें गिवन है, डी एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, नाउ पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, ठीक है, शो दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम डी। सबसे पहले ए एम सी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ए एम सी टू डी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें हमें इसमें पता है, एक तो साइड एम डी एम इज इक्वल टू साइड सी एम, है ना, एक ये हो गया। सेकेंड क्या पता है हमें कि साइड बी एम इज इक्वल टू ए एम, और थर्ड जब सी डी और ए बी इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो अपना लास्ट लेसन आप लोग याद करोगे तो हमें पता है कि जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारे दोनों एंगल्स, एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी। ठीक है, तो ये अब एक साइड एक एंगल और एक साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल हमारा ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, तो डी बी सी ये वाला एंगल है, डी बी सी, तो ये राइट एंगल बोल रहा है कि इज इट अ राइट एंगल, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल
बी डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, यानी ट्रायंगल डी बी सी, ये देखो थर्ड पार्ट देखो एक बार, पहले ये प्रूव कर लेते हैं, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। ये कैसे करेंगे, अब फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया तो ये हम रिमूव कर लेते हैं अपने डायग्राम में से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो तो अब ये देखो कि हमें ये पता है कि हमारा, एक तो सबसे बड़ी बात की बी सी जो है वो क्या है, कॉमन लाइन है, बी सी हमारी कॉमन लाइन है ना, और ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमको पता है एक चीज। दूसरा, अब ये वाले दो ट्रायंगल्स हमको करने हैं प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट करने डी बी सी, डी बी सी और ए बी सी की कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो एक तो हमारी कॉमन लाइन आ गई दोनों में से, राइट। फिर हमारी क्या बची, ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड्स में हमको क्या पता है कि जो डी बी है वो डी एम सी के इक्वल है, और ए बी, ए एम हमारा बी एम के इक्वल है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी, और हम क्या कर चुके हैं अभी तक, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ए एम सी और जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनकी इक्वल प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो उस कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक तो ये कि हमारी जब डीएम, सॉरी डीएम और एएम इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो भी इक्वल होंगे। तो डीएम, डीएम के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बीडीएम, है ना, एंगल बी डी एम, ये इक्वल है किसके, ए एम के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, इसके। तो एंगल ये लिख लेते हैं हम, एंगल बी डी एम इज इक्वल टू, एंगल बी डी एम इज इक्वल टू ए सी एम इज इक्वल टू ए सी एम। और सिमिलरली हमें ये पता है कि हमारी साइड एम डी इज इक्वल टू एम सी, तो उसके एम डी के ऑपोजिट एंगल आता है डी बी ए, डी बी एम, डी बी एम इज इक्वल टू एंगल एम सी के ऑपोजिट आता है एम ए सी या सी ए एम, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है। तो डी जो हमारा ये वाला है, वेट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, राइट। तो जो हमारा ये वाला एंगल है बी डी सी, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। पर हमें कौन से एंगल्स चाहिए, हमें एक तो ये वाला एंगल मिल गया हमारे ए बी सी का, है ना, ये एंगल एम सी के इक्वल है, ए बी सी, एम सी के ऑपोजिट है ए बी सी एंगल, वेट जस्ट अ सेकेंड, एम जो हमारा एम सी है उसके इक्वल है ये बी ए सी, है ना, और जो हमारा बी एम है इसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट है ये वाला एंगल, राइट। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि एक तो हमारी ये वाले एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए, कौन से एंगल, बी डी एम आ रहा है हमारे डायग्राम में कहीं पे, रुको यहीं पर ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी, यहां हम लोग अपना डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा बी डी एम, बी बी एम कौन सा एंगल है, ये वाला हो गया इक्वल ए सी एम के इक्वल, ए सी एम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा बी बी एम
एक सेकेंड, डी ये वाला डी डी एम इज इक्वल टू ए सी एम, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए और ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां से हमारे जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है वो कैसे इक्वल प्रूव हो जाएगा, कि एक तो हमारी साइड, एक साइड इक्वल हो गई है ना, ये कॉमन लाइन हो गई, और क्योंकि हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल थे कॉन्ग्रुएंसी से, तो जो इनकी ऑपोजिट की साइड्स होंगी वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो ये दो साइड्स इक्वल हो गई, और ये जो बीच का हमारा इनका एंगल है जो ए बी सी है उसमें ये ए बी एंगल ए बी सी, और जो हमारा बी सी डी ट्राइंगल है उसमें ये वाला, ये इक्वल हो गए, तो साइड एंगल साइड से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल डी बी सी ट्राइंगल डी बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया ए सी ट्राइंगल ए सी बी के इक्वल, ठीक है। तो जब अब ये वाले हमने ट्राइंगल्स दोनों इक्वल प्रूव कर दिए, तो जो हमारा एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा एंगल डी बी सी के। तो अगर हमारा ए सी बी 90 डिग्री था, तो डी बी सी भी क्या हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब राइट एंगल, राइट। तो ये हमने प्रूव कर लिया। जो इसका लास्ट पार्ट है, अब जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके हैं, तो इसका लास्ट पार्ट बहुत इजी, आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं, वो आप खुद ट्राई करें, राइट। तो हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 और नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स के साथ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडुस्टेप। थैंक यू।